14 अरब रुपए की ये जो आशियाना हाउसिंग स्कीम है इसके ऊपर नैब ने चार्ज भी लगा दिया। बगावत है, ये रियासत के खिलाफ बगावत है और शहबाज शरीफ इसमें शामिल है। ये नैब की कोशिश जो है ये पंजाब में तरक्याती अमल को रोकने की कोशिश है। आहद चीमा वो तोता है जिसके अंदर शहबाज शरीफ की जान है। ये शहबाज शरीफ का फ्रंट मैन, छोटे डॉन शहबाज शरीफ। 9000 अरब रुपया शहबाज शरीफ ने खर्च किया 9 सालों में। ये लाडले, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सिर्फ लाडले नहीं है, ये बिगड़े हुए लाडले हैं। इनको जज चाहिए मलिक कयूम जैसे, इनको सिविल सर्वेंट चाहिए आहद चीमा जैसे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हम सब में, मैं हूं महरुख फहद कुरैशी। नाज़रीन, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी शदीद रद्द अमल का मुजाहरा कर रही है। एक ब्यूरोक्रेट की गिरफ्तारी के हवाले से नैब गिरफ्तार करती है आहद चीमा को और हलचल मच जाती है। शदीद रद्द अमल देखने में आने में आता है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी की जानिब से, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमने देखा कि सिंध में भी पहले बड़े पैमाने पर इस किस्म की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं नैब की जानिब से, लेकिन सिंध की ब्यूरोक्रेसी तो कभी इस तरीके से हड़तालों पर नहीं उतरी। लेकिन इस दफ़ा 4 अनोखी चीज़ें हमें देखने में मिली हैं कि वुजरा ने जो है वो सीएम साहब यानी कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखा इस सारे मामले में, और फिर हुकूमत उनके दिफा में, पंजाब हुकूमत जो है वो ब्यूरोक्रेसी के दिफा में, आहद चीमा के दिफा में खड़ी हो गई। तीसरा ये भी कि कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है फैसला लेने के लिए कि आगे क्या करना है, क्या हिकमत अमली जो है वो मुरतब करनी है। फिर यह भी हमने देखा कि यकदम 20वें ग्रेड में इसी अफसर को तरक्की भी दे दी जाती है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक हड़ताल की सूरत हाल भी बन जाती है जो हमारे सामने आती है। एक दो दिन हड़ताल की जाती है, बाकायदे तौर पर सेक्रेटेरी को जो है वो ताले लग जाते हैं, हर तरह के काम से हाथ उठा लेते हैं सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स। तो ये वजह क्या है, इस पर जरा हम बात करेंगे कि ये पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है और सरमायाकार जो हैं, सियासतदान जो हैं, वो इस एक आहद चीमा साहब की गिरफ्तारी से इतने परेशान क्यों हैं। दूसरा, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मामला करप्शन का है, लेकिन जिस तरीके से अपोजिशन इस सारे मामले को कैश करा रही है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, क्या उनका मकसद जो है वो शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि वो कह रहे हैं फ्रंट मैन है, तो चूंकि बड़े भाई घर जा चुके हैं तो शहबाज शरीफ साहब को घर भेजना है ताकि अपने लिए आइंदा इंतखाबात में जो मैदान है वो शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करके साफ करा लिया जाए, साफ कर लिया जाए, अपने लिए एक मैदान जो है वो ओपन किया जाए, क्या इसलिए अपोजिशन ये खेल खेल रही है? तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा मामला करप्शन से ज़्यादा कहीं सियासी वाबस्तगी का तो नहीं, इस पर बात करेंगे। क्या ये शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग करने का मामला है, इस पर बात करेंगे। और आखिरी जो हमारा इस सेगमेंट में डिस्कशन होगी कि नैब की गिरफ्तारी के ऊपर किसी को एतराज नहीं है, लेकिन तरीकाकार के ऊपर सबको एतराज है। जिस तरीके से आहद चीमा की सलाखों के पीछे एक तस्वीर सामने आती है, जबकि अभी सबूत पेश करने हैं नैब ने, जबकि अभी केस का आगाज होना है बाकायदा तौर पर, जबकि अभी अदालत ने यह फैसला करना है कि यह मुलजिम है, ये मुलजिम जो है वो मुजरिम है या नहीं है, तो इससे पहले जो मीडिया ट्रायल नैप शुरू कर देता है और नैप के बाद जो लामहदूद इख्तियार आते हैं, तो क्या नैप का मुहासिबा का जो मुतालबा सामने आ रहा है वो दुरुस्त है या नहीं, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करा दीजिए। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, फॉर्मर डेप्यूटी जनरल हैं, डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके साथ फवाद चौधरी साहब, सेंट्रल स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद है जी लाहौर से। फवाद, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, अब से कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे, उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं। फवाद, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। फवाद, हमें ये बताइएगा कि सारे ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे सियासतदान, ये सारे सरमायाकार, ये सब इतने परेशान क्यों हैं एक आहद चीमा की गिरफ्तारी पर? अच्छा, एक तो आपकी आवाज़ में यहाँ पे डिस्टॉर्शन है, तो प्लीज़ अपनी टीम को कहिएगा कि उसको ज़रा एडजस्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरी बात, ये आपने जो बात की है ये बिल्कुल सही है। वो उसमें मसला ये है कि देखिए कि ये कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। इससे पहले अगर आप गौर करें तो ग्रेड 22 के ऑफिसर इस्माइल कुरैशी साहब अरेस्ट हुए, किसी ने कोई आवाज़ भी नहीं बात की। डीजी हज थे राव शकील साहब, ग्रेड 21 में थे, कोई पत्ता नहीं खटका उनकी गिरफ्तारी के ऊपर। इसके अलावा दर्जनों लोग हैं जो गिरफ्तार हुए, सिंध में गिरफ्तार हुए, पंजाब में गिरफ्तार हुए, बलूचिस्तान में गिरफ्तार हुए, किसी ने कोई उसके ऊपर एहतजाज नहीं किया। आहद चीमा क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं और कि उनकी गिरफ्तारी के ऊपर पूरी पंजाब हुकूमत जो है वो हड़ताल करवा रही है, कैबिनेट मीटिंग होती है पंजाब में और कैबिनेट मीटिंग में उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को ये हदायत की जाती है, सईद अख्तर को, जाहिद सईद को,
कि सारी कैबिनेट जो है कह रही है कि जी आप हड़ताल पे चले जाएं, तो वजह क्या है? आहत चीमा इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है कि उनके लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है उसको हड़ताल पे मजबूर किया गया, जो सेक्रेटेरिएट है वो बंद हो गया, लॉक हो गए? असल में यही कंक्लूजन है कि आहत चीमा वो तोता है जिनमें शहबाज शरीफ साहब यानी वज़ीर आला पंजाब की जान अटकी हुई है, और इस सारी डायमेंशन ये जो हड़ताल की है, ये जो सारा एहतजाज है, इसकी सिर्फ एक वजह है कि आहद चीमा अगर बोलना शुरू हुए तो मामला जो है वो पंजाब की हुक्मरान फैमिली के खराब होंगे, जिसकी वजह से ये सारा खेल रचाया गया। अच्छा फवाद, अभी आपने खुद ये तस्लीम कर लिया कि इससे पहले भी बड़ी गिरफ्तारियां हुई लेकिन कोई हरकत में नहीं आया, अब मजे की बात यह आप लोग भी हरकत में नहीं आए, अपोजिशन भी कोई हरकत में नहीं आए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी किसी और की गिरफ्तारी पर हरकत में नहीं, आहद चीमा की गिरफ्तारी के ऊपर आप जो इतना इशू बना रहे हैं तो क्या सही कह रहे हैं पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये मामला जो है करप्शन से ज्यादा सियासी वाबस्तगी का है, आपको पॉलिटिकली कैश करवा रहे हैं, मैदान साफ करना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करके? न्यूटन का थर्ड लॉ है, अगर आपने साइंस पढ़ी हो, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हुकूमत का ये रिएक्शन ना होता और अब ये मामला जो है इस तरह से कैबिनेट मीटिंग ना होती और कैबिनेट मीटिंग के हुक्म के जरिए हड़ताल पे ना जाते तो बिल्कुल ये रिएक्शन ना होता अपोजिशन का। लेकिन चूंकि हुकूमत ने इस मामले को एक नई स्टेज पे लेके गए, एक नई सतह पे लेके गए, तो रिएक्शन होना लाजमी था। और जाहिर है कि इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि जो पोजीशन होती है वो और जो शख्स होता है वो अपना रोल, उसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो केस की उसी से बनती है। अगर शहबाज शरीफ एक केस में मुलव्वस हैं और उनके ऊपर इल्जामात आ रहे हैं और अगर एक आम आदमी उसमें मुलव्वस है तो जाहिर है उसमें फ़र्क होगा, ये इसके लिए तो कोई बहुत बड़ी कह लें कि एनालिसिस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी जानेब आएंगे। सर पहले तो आप भी ये वजाहत कर दें कि बज़ाहिर नैब ने जिस तरीके से पकड़ा उसके ऊपर एतराज़ उठाया जा रहा है, यानी उससे ये लग रहा है कि जिस कोई सियासी इंतकाम जो शायद लिया जा रहा है, सलाखों के पीछे से आहद चीमा की एक तस्वीर जो है वो सामने आ जाती है, जबकि अभी ट्रायल का आगाज़ होना है, अभी सबूत पेश किए जाने, तो मीडिया ट्रायल और ये सारी चीज़ें और नैब के लामहदूद इख्तियारात, इशू उसके ऊपर है जो फवाद कह रहे हैं ना कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो रिएक्शन वो कह रहे हैं कि हमें इस बात पर नहीं है कि आहद चीमा को गिरफ्तार किया, 100 मरतबा आप गिरफ्तार करें लेकिन तरीका कार पर इतराज। देखिए फवाद ने दुरुस्त कहा कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, और इसके साथ साथ आई सप्लीमेंट एक और चीज़ के इस केस में जो ये शहबाज शरीफ साहब का नाम, आपको याद होगा कि इसी आशियाना केस में द फर्स्ट पर्सन हु वाज कॉल्ड बाय नैब, जिसको नैब बुलाया था, वो सीएम पंजाब थे, उनको खुद उन्होंने बुलाया नैब के ऑफिस में, इसी लाहौर के ऑफिस में, और उनसे वो 12 या 21 सवाल नामे उनको दिए गए थे और उनसे जवाब पूछी। इसके बाद इसमें फवाद हसन फवाद को बुलाया गया, इसके बाद अब ये तीसरे हैं। अब ये आहद चीमा को अरेस्ट करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि आहद ये नैब में सेक्शन 24 है कि जब आप किसी मुलजिम को, चेयरमैन नैब को इंक्वायरी जिस दिन ऑथराइज हो जाती है उससे लेके जब तक रेफरेंस दाखिल नहीं होता, इवन बास केसेस में रेफरेंस के बाद भी वो कॉम्पिटेंट है, उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो किसी मुलजिम को अरेस्ट कर सकता है। और अरेस्ट करने की 3 बेसिक वजूहात होती हैं। एक तो जब वो समझते हैं कि इस शख्स को हमने अरेस्ट करना ज़रूरी है कि इसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये जितने, क्योंकि इन केसेस में तमाम जो एविडेंस है वो मिनट्स हैं, वो नोटिफिकेशंस हैं, वो उसकी नोटिंग नोट पोर्शंस हैं, वो कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए रेंजर्स की तैनाती का भी कहा गया जी, तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे जिनको उन्होंने सिक्योर करना था। तो अभी हम हालिया देखिए तो बहुत से केसेस में यहाँ तो वो डॉक्यूमेंट्स पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दिए नहीं जा रहे थे, या उन्हें ये खतरा था कि ये डिस्टॉर्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, या बल्कि अब एक नया ट्रेंड लगा हुआ है कि आग लग जाती है, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए नंबर 2 उनको ये कोई शुनीद आई थी, या उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस भी होती है कि इस शख्स ने 2 साल की छुट्टी अप्लाई की है और ये बैरून मुल्क जाना चाह रहा है। और नंबर 3 वो इसलिए अरेस्ट करते हैं कि ये जो वाइट कॉलर क्राइम होता है इसमें जब किसी जो 21 या 20 या 19 या 18 ग्रेड के ऑफिसर को करते हैं तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि ऑब्वियसली वो खुद इतना बड़ा बेनिफिशियरी नहीं होता, बल्कि वो किसी के बिहाफ पे वो ये सब काम करता है और अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो कोई और शख्स होता है। तो ये अरेस्ट के बाद इल्म आता है कि जी अब आप बताइए कि ये पैसा कहां से कहां तक ट्रेवल करता था। सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके समझ में आ गए, लेकिन तरीका कार
तरीके का देखिए अरेस्ट जाती है, जैसे क्या होता है अरेस्ट का, जैसे बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जाना, सलाखों के पीछे तस्वीर आना। आपने देखा होगा कि पंजाब पुलिस के होते हुए तो बख्तरबंद गाड़ी में उनको डालना चाहिए था, और आप भूल रही हैं शायद कि वो सेक्रेटरी फाइनेंस जो बलूचिस्तान का पकड़ा था, हमने वहां भी बख्तरबंद गाड़ियां देखी थी और उसको दबोचते हुए भी देखा था। और जिस तरीके से आप ये देख लीजिए कि डॉक्टर आसिम है, उसके बाद आप वो देखिए मेमन साहब है, उन वो भी बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं, कोई दूसरी गाड़ी में नहीं। क्या ये तरीका ठीक है कि जब तक किसी के ऊपर सबूत जो है वो साबित नहीं हो जाता, जुर्म साबित नहीं हो जाता, तो उसका मीडिया ट्रायल किया जाए? नहीं, बख्तरबंद गाड़ियां तो जरूरी है। अब हर कोई तो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं है कि वो, उनका केस भी चल रहा है तो वो 28 गाड़ियों में आते हैं और मुल्जिम भी हैं और BMWs में आते हैं। नहीं, तो मतलब लेकिन इस पिक्चर ये सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरत, ये लीक्स होती रहती है। आप देखिए असल इशू से हम हट रहे हैं। इशू क्या है कि अरबों करोड़ों रुपए की करप्शन की कोई बात नहीं कर रहा कि जी तस्वीर लीक होगी। आप देखिए कि इस शख्स के ऊपर एलिगेशंस क्या हैं, कितने सीरियस एलिगेशंस हैं, और पंजाब के जितने भी, इनका अपना कहना है कि जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये शख्स एक सेंटर पॉइंट की हैसियत से रखता है, तो उसके अलावा लेकिन फवाद एक तरफ तो ये मौकिफ आ रहा है कि जी तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जिस तरह से एक खाता था इनका, या जो इनके लेन देन थे या फ्रंट मैन थे या जिस तोते में इनकी जान, वो सारी चीजें अपनी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर ब्यूरोक्रेसी से पूछे तो वो कहती है कि हम तो इसको मेट्रो मैन कहते थे, हम तो इसको स्पीड मैन कहते थे, और इस शख्स ने खुद 168 ऑफिसर्स को इन टोटल अभी तक करप्शन की मद में फायर किया है, निकाला है, जॉब से फारिग किया है, तो ये शख्स खुद कैसे इतना करप्ट हो सकता है कि जो शहबाज शरीफ साहब की तरक्की के पीछे जो मेन किरदार है ब्यूरोक्रेसी कहती है वो ये शख्स है। तो वो तो शहबाज शरीफ साहब की भी ये रेपुटेशन है, शहबाज शरीफ साहब भी इतने बंदों को निकालते हैं, जो जितना करप्ट है वो उतने लोगों को निकालता है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ। और ये भी डिपेंड करता है आपके किससे बात हुई है, आपके इनके किसी बेनिफिशरी से बात हुई है या किससे बात हुई है जो न्यूट्रल था। अगर आपको न्यूट्रल आदमी से बात हुई होगी आपकी, या आपकी इनके मुखालिफ से बात होगी, वो सही एनालाइज करेगा ना क्या मामला है। हो सकता है आपकी बात किसी ऐसे आदमी से हुई हो जो इनका बेनिफिशियरी हो, वो ये बात करेगा। ये तो एक कह लें कि सतही बात है, वो जहां पे जिस तरह का आदमी होगा वैसे बात करेंगे। अगर इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इस बड़े पैमाने पर यह शख्स करप्शन कर रहा था तो किसी इदारे, इवन नैब भी सोती रही, किसी ने नहीं पूछा? तो नवाज शरीफ एंड कंपनी इतने अरसे से कैसे सरवाइव कर गई? जब आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, जब आपके ऊपर हाथ डालना जो है मुश्किल होता है, जब आपका असर होता है, बात तो पता ही तब चलती है जबकि आपको एक बराबरी की फ़जा मिले। इस वक्त पाकिस्तान में एक जो इस वक्त आपको ज़्यादा लग रहा है कि मामला क्यों ख़राब हुआ है, वो इसलिए लग रहा है कि पहली बार एक ऐसी फ़जा बन रही है जिसमें हुक्मरान भी जो हैं उनको अपने हिसाब देने पड़े हैं। पंजाब में 9 trillion रुपया ट्रांसफर हुआ है फेडरल गवर्नमेंट से पिछले 9-10 सालों में, एक आदमी ने खर्च किया है जिसका नाम शहबाज शरीफ है। 3,000 billion रुपीस तो सिर्फ जो है ये लगा चुके हैं, 3,000 crore रुपया सिर्फ ये अपनी डेवलपमेंट के बजट्स में लगा चुके हैं। तो अब आप जब इन बजट्स में, अब आप एक बहुत बड़ी एंकर हैं, आप अभी अहमद खान आएंगे, आप अहमद को कहिएगा कि हमें मेहरबानी करें ऑरेंज लाइन का कॉन्ट्रैक्ट दें, वो आपको नहीं देंगे। आप उनसे कहें कि आपको मेट्रो के प्रोजेक्ट्स के ऊपर फाइलें दे दें, वो आप नहीं देंगे। अगर आप ज़्यादा इंक्वायर करेंगी तो आपको पता चलेगा कि उनको आग लग गई है। तो जब आप इस तरह की जो है वो गेम प्लान बनाएं और एक्सपोज होने लगे तो आप ये कह दें कि नहीं हमारी ये जमहूरियत को खतरा हो गया, तो फिर तो मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी है फवाद, यहाँ पर एक और चीज भी है फवाद के जो एक और एतराज उठाया जा रहा है राज साहब, वो ये भी उठाया जा रहा है कि जी करप्शन में, नैब को करप्शन में और माली बेजाबतियों में या इंतजामी बेजाबतियों के अंदर फर्क करना चाहिए। यानी अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई अवार्ड कर देते हैं और उसमें कोई पेपर रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता तो ये करप्शन नहीं होगी, ये तो बेजाबगी होगी, इंतजामी बेजाबगी होगी। और नैब का काम सिर्फ करप्शन और माली लेन देन के जो मामला है उनको देखना है। और आहद चीमा के ऊपर बुनियादी तौर पर जो इल्जाम आ रहे हैं वो यही सामने आ रहे हैं कि जिन्होंने गैर कानूनी इकदामात किए और पैसा बनाने की हद तक अभी तक चीजें उस तरीके से प्रूव नहीं हो पाई हैं। क्या नैब ये फर्क करता है? सेक्शन 9 है नैब का जो करप्शन को डिफाइन करता है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। आप अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करते हुए अगर किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं या खुद कोई पर्सनल गेन ले रहे हैं तो दिस कम्स स्क्वेयरली विद इन द डेफिनेशन ऑफ करप्शन। आप इस चीमा साहब ने किया क्या है कि एक C4 कैटेगरी की फर्म थी कैसा डेवलपर्स और वो तो जिनका मैक्सिमम 15 करोड़ से ज्यादा उनको आप अलॉट नहीं कर सकते, टेंडर दे ही नहीं सकते थे, तो उनको आपने 14 billion का, 14 अरब का दे दिया।
उसके बाद एक और चीज़ जो होती है जो बड़ी रेयर होती है कि वाइट कॉलर क्राइम में, कि जब कोई शख्स ऐसा इलीगल कोई ग्रेटिफिकेशन लेता है, ये मैं नैब के वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहा हूँ, जो उनका कहना है कि जी इसके नाम पे कोई 37 प्लॉट्स हैं, वो प्लॉट्स जिनकी अभी कोई मालकियत मालियत है अराउंड 1.5 से 2 करोड़, तो अगर आप 35 को ये मिलाएं तो 60-70 करोड़ तो ये बनते हैं। आप एक ग्रेड 19 का ऑफिसर है, उसके अलावा भी नैब ने लाजमी बहुत सी चीज़ें उसके खिलाफ निकाली होंगी, तो अब ये माली बेजाबती ही करप्शन का नाम है, माली बेजाबती को ही करप्शन कहते हैं, और किसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन इसी गुफ्तगू को आगे भी। अगली बारी किसकी होगी पंजाब में, अगली गिरफ्तारी किसकी होगी पंजाब में, इस पर जरा बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। फवाद, पंजाब में अगली गिरफ्तारी किसकी होगी, और आपको लगता है कि आहद चीमा की गिरफ्तारी से क्या कानून के हाथ जो हैं, अगर आप कहते हैं छोटे डॉनर शहबाज शरीफ साहब, तो उन तक पहुंच सकते हैं, जबकि आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर भी मुंतखब हो गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीत जाती है तो फिर वो प्राइम मिनिस्टरशिप के मुमकिन कैंडिडेट भी हो सकते हैं। देखें जी, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, और होने को ये भी हो सकता है कि सब जेल में हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। सो होने का मुस्तकबिल की जो पेशगोई है वो करना तो मुश्किल है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, और मेरा और आपका और पाकिस्तान के लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि जो भी लोग पाकिस्तान के पैसे खर्च करते हैं उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, और जो पैसे खर्च किए जाएं मेरे और आपके, जो रकम हुकूमत पाकिस्तान के पास बतौर अमानत जाती है, उसको ऐसे खर्च किया जाए कि उसमें खानदान जो है वो उससे बेनिफिट ना उठाएं। सो उसके लिए जो सिस्टम्स हैं वो बनने चाहिए, और उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। और अगर हम ये कहें कि उस अकाउंट जब भी कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाए और उसको आराम से ये कह दिया जाए कि नहीं ये तो इसके खिलाफ साजिश हुई है और उसके बाद कुछ ना हो, वो एक मुनासिब अमल नहीं है, और फेयर होना चाहिए, किसी की बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी एक सिस्टम है उसके ये जो आहद चीमा की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है और जो सलाखों के पीछे से तस्वीर वगैरह आई है, ये आप समझते हैं कि ये बेइज्जती हुई है नहीं हुई है, ये ठीक था? देखिए, पहली बात तो यह है कि बेइज्जती तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेइज्जती पतरस मसीह की हुई है, जिसको एफआईए वालों ने उठा के रात को मारा, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक दिया गया। जो गरीब तरीन आदमी है ना, वो उसकी बेइज्जती होती है। आहद चीमा साहब वगैरह जिनकी एक तस्वीर रिलीज़ हो जाए, हुसैन नवाज साहब की एक बैठे हुए तस्वीर रिलीज़ हो गई और आपने देखा कितनी क़यामत आई कि ये क्या हो गया, बाद में पता चला अपने ही बंदे ने रिलीज़ की थी। सो आहद चीमा का भी हमें नहीं पता कि इसमें बेइज्जती है या नहीं है, लेकिन अगर आपने बेइज्जती के मुजाहरे देखने हैं तो आप ज़रा कभी आम थानों में जाएँ, आम पटवारी के पास जाएं, और फिर आपको एहसास होगा कि बेइज्जती होती क्या। बिल्कुल ठीक बात है। राज साहब, ये भी हमें बताइएगा, अब आहद चीमा साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं, कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो नैब का प्ली बार्गेन का कानून, जिसको बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज भी कर चुकी है, इवेंचुअली वो पैसे देंगे और छूट जाएंगे, और जैसा कि वो छोटे डॉन का नाम ले रहे हैं उन तक कभी बात पहुँच ही नहीं पाएंगे, यही फ्रंट मैन और यही छोटे लोग हम गिरफ्तार करके फिर क्या करें, कितना क्रेडिट दें हम नैब को? नहीं, देखिए, प्ली बार्गेन नैब के कानून में मौजूद है, इट्स पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। अगर नैब कोई उनके ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करती है कि आपकी वजह से आपकी हद तक इतना नुकसान हुआ, तो इनको ये कानून ने इजाज़त दे रखी है कि ये प्ली बारगेन की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल दो उस सूरत हाल में ये कन्विक्ट होंगे और इनकी नौकरी वगैरह ख़त्म हो जाएगी और 10 साल तक कोई पब्लिक ऑफिस भी नहीं होल्ड कर सकेंगे। लेकिन इससे ये नहीं होता कि केस ख़त्म हो जाता है, बाकियों की हद तक जो आती है लाइबिलिटीज़ वो चलता रहेगा। सेकेंड ऑप्शन इनके पास एक और भी है, जो ये होता है कि ऐसे केसेस में, क्योंकि काम सारा नीचे से चलता है ब्यूरोक्रेसी से, तो वो उनको ये कहा जाता है कि अगर आपको ये हम ऑप्शन देते हैं कि ये जितने भी, क्योंकि ये अभी नैब जो ये प्रेस रिलीजेज आती हैं, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें एग्जैक्ट चीज़ें तो वो नहीं बताएगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, इंटरोगेशन क्या हो रही है, क्या चीज़ें सरफेस करके आ रही हैं, तो वो उनको ये कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं और अगर आप ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहें तो आप हमारे अप्रूवर बन जाइए, वादा माफ गवाह, और हम आपको पार्डन ग्रांट कर देंगे, यू विल बी अ प्रोसिक्यूशन विटनेस। और पैसे का क्या होगा, जो करप्शन का पैसा? कुछ भी नहीं होगा, ये बताएगा, वो भी नहीं ले, ये बताएगा कि रिकवर नहीं होगा। हाँ, ये बताएगा कि वो कहाँ 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 गया पैसा, ठीक है,
और ये किसके पास जाता था और इसका बेनिफिशियरी कौन था, और एक प्रोजेक्ट नहीं था ये पूरा था। आपको जेन में होगा वो एक इसहाक डार साहब ने भी एक जमाने में इसी ऑप्शन को इस्तेमाल किया था, ये सेकंड ऑप्शन है जो आज वो कहते हैं कि मेरे पे तो गन पॉइंट के ऊपर सारा कुछ। और थर्ड ऑप्शन ये है कि वो कहें कि जी ठीक है मैंने कुछ नहीं किया, आपने जितनी मर्जी मुझसे इन्वेस्टिगेशन करनी है करिए, उसके बाद अगर आप फिर भी मेरे से ज्यादती कर रहे हैं, मेरे खिलाफ रेफरेंस बना रहे हैं, भेजिए मुझे अदालत में, मैं जेल जाने के लिए तैयार नहीं, मैं साबित करूंगा कि मैं बेगुनाह हूं, और वो वहां पे साबित करेंगे कि वो बेगुनाह है तो वो क्विट हो जाएंगे अदालत से। अगर वो साबित करने में नाकाम हुए तो फिर वो जेल चले जाएंगे। अब मुझे ये बताइए फवाद, ये सारी एक्सरसाइज क्या फ्यूटल नहीं लग रही आपको? ये तो बड़ा आसान है कि आज चीमा साहब कहें कि ये ले जी ये सारे पैसे और ये प्ली बार्गेन और मैं तो चला घर, क्योंकि वादा माफ गवाह बनने के तो सूरत आलसर नजर नहीं आ रही कोई, तो शहबाज शरीफ साहब का क्या होगा फिर छोटे डॉन का? देखिए वादा माफ गवाह जो है वो नैब का कानून नहीं है, वो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एक तरीकाकार है जिसमें कोई भी आदमी जो है वादा माफ गवाह बन सकता है, और अगर प्रोसिक्यूशन समझती है कि उसकी गवाही से जो असल एक्यूज्ड है उसको पकड़ने में मदद मिलेगी तो वो वादा माफ गवाह बन सकता है। जहां तक नैब का कानून है, नैब में मौजूद है ये, लेकिन ये सीआरपीसी में नहीं, नहीं नैब के कानून में लिखा हुआ है चेयरमैन नैब हैज द अथॉरिटी टू गिव ग्रांट पार्डन, लिखा हुआ ना हाँ, लेकिन सीआरपीसी भी जी उसमें भी है ना नैब के लॉ पे, इसलिए चेयरमैन नैब के ऊपर भी है। अच्छा तो दूसरी बात यह है जो प्ली बार्गेन का आपने कहा, प्ली बार्गेन का जो मामला है उसमें कंसेंसस तो यही हुआ था कि प्ली बार्गेन को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और ये इजाज़त जो है वो नहीं देनी चाहिए, लेकिन ये बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी और अभी तक जो प्ली बार्गेन का कानून है वो मौजूद है। तो अब देखना यही है कि क्या प्ली बार्गेन ऑफर होती है, और अगर ऑफर होगी तो फिर वो चैलेंजेबल भी है। सो अब वो उतना आसान नहीं रह गया है मामला जितना कि पहले हुआ करता था। तो अब देखते हैं कि जब ये केस आगे प्रोसीड करेगा, हम बहरहाल इसके ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं और हम यही समझते हैं कि ये जो ग्रेड 20 के या 21 के ऑफिसर्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है कि जब तक इनको पॉलिटिकल बैकिंग भरपूर ना हो और वो इस तरह के काम कर सकें, और शहबाज शरीफ साहब का इसमें जो मुलव्वस होना है वो बिल्कुल वाज़े है, वो तो जो सारे इकदामात पंजाब गवर्नमेंट ले रही है उससे बिल्कुल वाज़े होता है कि शहबाज शरीफ साहब इसमें मुलव्वस है। फवाद, शहबाज शरीफ साहब मुलव्वस हैं या नहीं, खैर ये तो फैसला बाद में होगा, लेकिन अभी तक तो सारी सूरत हाल यही कही जा रही है जी कि क्योंकि वो अब सदर भी मुंतखब हो गए, फिर आगे सेनेट इलेक्शन भी आने वाले, तो ये सारी सूरत हाल को जिस तरीके से कैश कराया जा रहा है और एक सियासी ड्रामा जो है रचाया जा रहा है, और कोई कुछ अनासर हैं जो ये एक पूरा स्टेज कर रहे हैं ये सारा कुछ हुक्मरान जमात के खिलाफ, ना उन्हें सेलेक्ट इलेक्शंस में आने देते हैं ना, यू नो अदरवाइज भी दो तीन दफा ना है, तो ये क्यों इसके पीछे कुछ देखते हैं आप, साजिश हो रही है कोई? नहीं, हुकूमत का नैरेटिव तो यही है, वो तो कहते हैं कि जुडिशरी हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और फौज हमारे खिलाफ साजिश कर रही है, और ये बारहा नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा ने ये बात की है। अब सवाल मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आपकी हुकूमत में अगर फौज और अदलिया आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हों तो आप हुकूमत कैसे करेंगे? वो तो आप हुकूमत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब भी एक बड़ा क्राइसिस आता है इस तरह का तो आप क्या करते हैं, आप अल्टीमेट आर्बिटर की तरफ जाते हैं। ये हुकूमत 28 जुलाई के बाद से अपनी मॉरल अथॉरिटी खो चुकी है। नवाज शरीफ साहब के पास कोई, जब वो पैनामा में कन्विक्ट हो गए उसके बाद इस हुकूमत को इलेक्शंस में जाना चाहिए था, और हमने बारहा ये बात तवज्जो दिलाई थी कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस में मुल्क को डाल रहे हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ जिसकी हम प्रेडिक्शन कर रहे थे, और अब मुल्क में प्रैक्टिकली कोई हुकूमत नहीं है। प्रेडिक्शंस डेफिनेटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ बड़े वसूख के साथ कर सकती है, और भी ज्यादा वसूख के साथ कर सकती है। बहुत शुक्रिया फवाद, बहुत शुक्रिया राजा साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम मुसद्दिक मलिक साहब भी और मलिक अहमद खान साहब भी, जिन्होंने वादा किया और वादा करके प्रोग्राम में शिरकत नहीं की, ना जाने क्या वजह थी, शायद सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन बहर कैफ शिरकत ना करने के लिए भी आपके मशकूर हैं हम दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और नाइंसाफी की, पाकिस्तान में अकलियती बरादरी के साथ रियासती इदारों का नारवा सलूक क्यों हो रहा है, ये किसने इख्तियार दिया है उनको, इस पर बात करेंगे। वक्फा मेरे साथ रहिए।
جی ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بات کریں گے ایف آئی اے کی جانب سے مسیحی برادری کے ایک شخص جس کے اوپر الزام عائد کیا گیا کہ جی بلاسفمی کی ہے, توہین مذہب کی ہے, اور ایف آئی اے کی جانب سے ان اہلکاروں کی جانب سے بدترین تشدد کیا گیا جس پر ساجد مسیح جو ہے وہ ایف آئی اے کے ہی دفتر سے کی بلڈنگ سے چوتھے فلور سے اپنی جان بچانے کے لیے چھلانگ مار دی, اس نے وہ کود گیا اس بلڈنگ سے. ایسا کیا ہوا اسی پر ذرا میں بات کرنا چاہوں گی. یہ معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر, یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, گردش کر رہی ہے. ان کے کزن کے اوپر پترس مسیح کے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, پھر کچھ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ چھلانگ لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جبران آپ میرے ساتھ موجود ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جی, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کیا ہوا مختصراً پہلے تو یہ بتا دیجیے, اور اس کے بعد پھر یہ ریاستی اداروں کا جو سلوک ہے اقلیتوں کے ساتھ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. دیکھیے جی, اس وقت جو ہے دو قسم کے موقف ہمارے سامنے آئے ہیں. پہلا موقف یہ ہے کہ ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہم نے پترس کو گرفتار کیا, اور اس کے بعد اس کے تایازاد بھائی ساجد کو ہم نے بلایا جمعے کے روز, جو 11:30 وہاں پہ موجود تھا, وہاں پہ آیا, اس کی تفتیش ہوئی, اور ہم نے اس کی نارمل تفتیش کی, اور ہم نے اس سے کہا کہ ہمیں تمہارا موبائل چاہیے, تمہارے موبائل کا پاسورڈ چاہیے, اس میں کوئی ثبوت ہے. اس نے موبائل دینے سے انکار کیا. جب ہم نے زور ڈالا کہ موبائل دو, تو اس نے قریب ترین کھڑکی سے چھلانگ لگا دی. یہ ان کا موقف تھا, جس کے اوپر ایف آئی اے کہہ بھی رہی ہے کہ جی یہ ہمارا موقف ہے, ہم اپنی نیگلیجنس قبول کرتے ہیں. دوسری طرف موقف یہ ہے کہ ایک نوجوان انسان ساجد مسیح, جس نے چھلانگ لگائی ہے کھڑکی سے, وہ کہتا ہے کہ پہلے انہوں نے مجھے بلا کے مارا پیٹا. جب میں نے اسے پوچھا کہ کیوں مار پیٹ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا اس لیے چونکہ تم ایک ایسے انسان کے کزن ہو جس کے اوپر توہین کا الزام ہے. پھر اسے میرا موبائل لیا جو کہ میں نے دے دیا. اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ اپنے کزن کو گالیاں دو, میرے کزن کو کہا گیا کہ مجھے گالیاں دو, اور پھر آخر میں کہا کہ اپنے کزن کے کپڑے اتار کے اس کے ساتھ بدفعلی کرو, جس پہ جب میں نے ریزسٹ کیا, انہوں نے فورس کیا, تو میں نے کوئی چھلانگ لگا دی. اب یہ دو موقف ہیں, اس میں حقیقت کیا ہو سکتی ہے یا کس کا موقف اسٹرانگ نظر آ رہا ہے؟ ساجد یہ بیان دیتا ہے لہو لوہان اس بیڈ کے اوپر سے جہاں پہ وہ زندگی موت کے بیچ میں اس وقت کشمکش میں تھا, ہفتے کے روز جب اس کا یہ بیان ریکارڈ کیا گیا. دوسری طرف ایف آئی اے وہ ہے کہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی ساجد کی سائبر کرائم ونگ, مگر ساجد کو تفتیش کے دوران جو کہتی ہے کہ جی وہ کود گیا, ہسپتال لے جانے والے تھے امیگریشن والے, مکمل ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ایف آئی اے کا, مکمل ڈفرینٹ افسر اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں. اور جمعے کے روز جب میڈیا ایف آئی اے سے رابطہ کرتا ہے کہ جی کیا یہ واقعی میں کودا ہے کہ نہیں کودا, تو سائبر ونگ کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ ڈینائی کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور اگلے دن جب ساجد کی ویڈیو سامنے آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اعلیٰ عہدیداران نے کہا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ کے بارے میں بات مت کرنا. اور دوسرا, بغیر ساجد کے پہلے ہوش میں آئے ہوئے اس کے اوپر خودکشی کا پردہ کہتے ہیں پرچہ کاٹ دیتے ہیں, اور ابھی تک جو ہے وہ پترس کو, جو اس کا کزن ہے جو مین اکیوزڈ ہے, اس کی رسائی جو ہے, اس تک رسائی جو ہے وکیل کو نہیں دی جا رہی. جب اتنی پردہ داری ایف آئی اے کی طرف سے ہے, جب اتنی غلط بیانی ایف آئی اے کی طرف سے ہے, جب اتنا اس معاملے کو سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر بڑا کہا جا رہا ہے کہ جی ایف آئی اے کے بشیر میمن صاحب نے جو ایک انویسٹیگیشن بنا دی, تو میں آپ کی نالج میں یہ لے آؤں کہ میں نے ذاتی طور پہ خود جب یہ ساجد کی ویڈیو سامنے آئی تھی, احسن اقبال صاحب سے بات کی تھی, ان تک پیغام پہنچایا تھا ان کے آفس کو, اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم اس پہ ایکشن لیں گے, اور یہ بات ہوئی ہے. ورنہ اس کی کوئی انٹرنل انکوائری اپنے سے ہو نہیں رہی تھی اگر یہ میڈیا پہ بات نہیں آتی, اور ایف آئی اے کے وہ افسر جو لاہور میں موجود ہیں وہ اس معاملے کو دبا چکے ہوتے. اور ابھی بھی صرف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی گئی ہے چار اہلکاروں کے خلاف, جو کہ میرے خیال سے ناکافی ہے. مجھے یہ بتائیے جبران, اب جب کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں اور بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ پردہ داری کی جا رہی ہے, کیا ریاستی اداروں کو مذہبی تقسیم کو بنیاد بنا کر, مذہب کا لیبل اٹیچ کر کے, اس قسم کا ڈسکریمنیٹری ثبوت سلوک جو ہے, اور وہ بھی ڈیفینس لیس مائنورٹیز, اقلیتیں, محکوم جو مظلوم ہیں آلریڈی ہمارے ملک کے اندر, ان کے ساتھ یہ سلوک زیب دیتا ہے, یہ جائز ہے؟ اس کا اختیار کس نے دیا ہمارے ریاستی اداروں کو؟ دیکھیے, ہمارے معاشرے کے اندر ہم جیسے ایک ذہنی کیفیت کا شکار ہیں, وہ یہ ہے کہ جس پہ بلاسمی کا الزام لگتا ہے ہم اس کو ایک لیسر ہیومن سمجھنے لگ جاتے ہیں, اس کو ایک لیسر پاکستانی یا لیسر سٹیزن سمجھتے ہیں, جس کو نہ فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے, نہ ڈیو پروسیس کا حق حاصل ہے, نہ کوئی پروٹیکشن فرام ٹارچر ہے, نہ اس کی ڈگنیٹی جو ہے اس کی کوئی پروٹیکشن کی ضرورت ہے, نہ اس کی رائٹ ٹو لائف کی کوئی پروٹیکشن کی ضرورت ہے, اس کا جو چاہے آپ سلوک کرتے رہیں. ہم اس معاشرے سے نکل رہے ہیں, اسی معاشرے سے وہ لوگ بھی نکلتے ہیں جو شہر پہ کہتے ہیں سڑکوں پہ جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں, اسی معاشرے سے بچے مدرسے میں بھی جاتے ہیں جو جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں, اسی معاشرے سے بچے یونیورسٹی میں بھی جا رہے ہیں جو مشال خان کے ساتھ عبدالعلی خان یونیورسٹی میں انہوں نے کیا, اور اسی معاشرے سے لوگ ہمارے اداروں میں بھی جا رہے ہیں, مگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اداروں میں اتنی ٹریننگ ہوگی, اداروں کے اندر اتنی ان کی کا کہتے ہیں ان کا ایپٹیٹیوڈ اور ان کا ایٹیٹیوڈ بہتر کیا جائے گا کہ اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہ کریں. مگر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. کیا جیلوں کے اندر اکیوز سے قتل نہیں کیے گئے؟ کیا جیلوں کے اندر پہلے ان کے ٹارچر کے واقعات سامنے نہیں آئے؟ کیا پہلے کوششیں نہیں کی گئیں کہ جو اکیوز ہے اس کو پہلے ہی مار دیا جائے اگر اس کا ٹرائل جو ہے وہ کیٹل کی طرف جا رہا ہے؟ تو یہ کوئی نئی بات ہے, کوئی ہمارے پاس کوئی نیا فنومنا سامنے نہیں آیا. میرے لیے
نتیش کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، جو تمام ریاستی ادارے ہمارے ہیں، بجائے اس کے کہ اس وقت وہ ایک یہ نیریٹو بنائیں کہ جی یہ غلط الزام نہیں لگائے جائے بلاسمی کی کسی کے اوپر، اور اگر لگ جائے تو اس کے ساتھ کوئی ابیوز پروسیس نہ ہو، جو پروسیس ہو وہ ڈیو پروسیس کے ساتھ ہو، خاص طور پر جو مشال خان کا واقعہ اور اس کے بعد ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو بلاسمی کے جھوٹے الزام لگا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہ مردان کی سڑکوں کے اوپر ریلیاں کر سکتے ہیں، ان کے حامی تمام وہاں کے سارے سیاسی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کا پولیس تعاقب نہیں کرتی، جو کنوکٹ ہو جاتے ہیں ان کو پہلی فرصت کے اندر جو ہے قانون کے مخالف جا کے پشاور ہائی کورٹ قانون کو نظر انداز کر کے ان کو بیل گرانٹ کر دیتا ہے، اور جن لوگوں پہ الزام ہے ان پہ الزام لگنے سے پہلے ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. میں کسی ایک صوبے کی پولیس کی بات نہیں کروں گا، میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کروں گا، یہ سب کے سب اس میں برابر سے شامل ہیں، چونکہ آنے والے دنوں میں ویسی الیکشن ہے اور آج کل ویسی تحریک لبیک نے جو پنجاب کے صوبے میں اور کچھ اور شہروں میں ایک ووٹ بینک گرم کیا ہوا ہے. اس وقت لوگوں کے لیے میرے خیال میں فائدے میں یہ ہے کہ ان کی اس تحریک کو نہ چیلنج کیا جائے، ان کے اس نیریٹو کو نہ چیلنج کیا جائے. پترس کے کیس میں بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی ہی کارکن ہے جنہوں نے کیس کیئر کیا ہوا ہے، چونکہ ہر کوئی اس وقت ریلیجس سینٹیمنٹس کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتا ہے اور اپنے لیے ووٹ بٹورنا چاہتا ہے. تو بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن قوانین میں بھی تبدیلی آ گئی، اب الزام لگانے والے کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی، لیکن سوچ کب بدلے گی؟ یہ تو خود ہمارے ریاستی ادارے، ہمارے جو ریاستی عناصر ہیں، ہمارے بعض سیاستدان ہیں، یہاں تک کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، ان کی طرف سے بھی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. تو میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے یہاں ابھی بھی بیٹھ کے نون لیگ کے اندر کیپٹن صفدر جیسے لوگ ہیں، پیر حسنات شاہ جیسے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب خود ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑ رہے کہ جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اوتھ کے اندر بار بار لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں ختم نبوت کی، ناموس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور لوگوں کی ریلیجس سینٹیمنٹ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، سراج الحق صاحب خاموش منہ صرف پھیر لیتے ہیں جب مشال خان کے قاتل کے حامی جو ہیں ان کا اپنا مدان کا امیر نکلتا اور ممتاز قادری کے جنازے میں تو خود وہ آگے پیش پیش ہوتے ہیں. آپ کے اے این پی کے جو کہتے ہیں ویسے ایک سیکولر جماعت ہے، لیفٹ کی جماعت ہے، پروگریسو جماعت ہے، مگر اے این پی کی جو ان کی قیادت ہے وہ مشال خان کے قاتلوں کی حمایت کے اندر کھڑی ہوتی ہے، ان کا ساتھ کرتی ہے، پشپنائی کرتی ہے، گواہان کو ہراساں کرتی ہے کہ جھوٹی گواہی دو. جماعت علماء اسلام کے بانی فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی آئین کا تقدس، پارلیمان کا تقدس، جو پارلیمان کو گالی دے گا اسے خود گالی دینی چاہیے. تو اسی پارلیمان کے بنائے گئے آئین کے تحت اور آئین کے تحت بنائے گئے قانون کے تحت اور قانون کے تحت کام کرنے والی عدالتوں نے جب مشال خان کو بے قصور جانا اور اس کے قاتلوں کو قصوروار جانا تو ان کا کے پی کا جنرل سیکرٹری شجاع الملک جو ہے وہ ریلیاں کر رہا ہے، جلسے کر رہا ہے اور مشال خان کے حمایتیوں کو غازی بنا رہا ہے، قاتلوں کو غازی بنا رہا ہے اور کہتے ہیں ہیرو بنا رہا ہے. تو یہ تو ان کی ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں، یہ آنے والے الیکشن کے دنوں کے اندر اسی میں ایکسپلوئٹ کریں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. حلقوں کے اندر آپ کو ممتاز قادری کا چہرہ بھی نظر آئے گا. ابھی کیا ہونا چاہیے؟ ابھی آپ نے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے احسن اقبال صاحب سے رابطہ کیا، آپ نے احسن اقبال صاحب کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے، وفاقی وزیر داخلہ ہے وہ، ورنہ اگر میڈیا پہ نہ آتا یا آپ رابطہ نہ کرتے تو شاید یہ لوگ پی جاتے اس معاملے کو. اب مجھے یہ بتائیے، اب صرف محکمانہ کاروائی، از دیٹ اٹ؟ ایک شخص آپ نے اس کو کس حد تک مجبور کیا ہوگا، ایف آئی اے کے اہلکاروں نے کس حد تک مجبور کیا ہوگا کہ وہ چوتھے مالے سے نیچے کود جاتا ہے، وہ خودکشی کی کوشش کر لیتا ہے، یعنی اس کو وہ ظلم کم لگ رہا تھا، اس کو اپنی جان دینا آسان لگ رہا تھا. ہونا کیا چاہیے؟ کیا صرف محکمانہ کاروائی؟ دیکھیے جی، پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کسی انسان کو انٹیریئر منسٹری کے پاس کسی ایک کیس کے لیے نہیں جانا چاہیے. آلریڈی اتنے چیکس اینڈ بیلنسز ان پلیس ہونے چاہیے تھے کہ معاملہ خود ہی رپورٹ ہو جاتا اور خود ہی سی آئی ڈی یا اسپیشل برانچ جو بھی ہے آ کے جو ان کے اندر انٹرنل میکینزمز ہونے چاہیے تھے کہ وہ آ کے اس کا نوٹس لیتے. کیا ہر کیس کے اندر وکیل کی یا اس اکیوز کی رسائی کسی ایسے انسان تک ہوگی جس کی آگے رسائی ہو؟ کیونکہ یہ ہر کیس کو تو آپ اس سے اٹینشن نہیں دے سکتے. اٹینشن دینے کے بعد بھی ہمارے سامنے کسی ایک محکمانہ کاروائی آ رہی ہے، کہنے کو تو ان کے خلاف ایک پرچہ بھی درج ہونا چاہیے انکوائری کا. مگر پہلے انیشل انکوائری اگر یہ ثابت کرتی کہ انہوں نے واقعی میں کوئی جرم کیا، مگر انیشل انکوائری تو کہہ رہی کہ جی نیگلیجنس ہوا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے میں بتا دوں کہ جو پہلے سینئر ایف آئی کے افسران آئے تھے اتوار کے روز جب انکوائری سٹارٹ ہوئی اور وہ ساجد کا بیان لے کے جا رہے تھے، اس وقت ساجد کی وکیل جو ہیں وہ ہسپتال میں موجود نہیں تھی، مگر ان کا اسسٹنٹ تھا. اسسٹنٹ نے یہ ایک عقل مندی کی کہ اس نے وہ سٹیٹمنٹ جو لے کے جا رہے تھے ایف آئی اے کے عمران، وہ پڑھ کے سنائی، جبکہ ساجد نے اپنا بیان تھا اس میں اس نے لکھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. وقت میرے پاس محدود ہے. آپ کی بات جو ہے وہ نوٹ کر لی ہم نے. ناظرین، آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا بدلا ہے پاکستان کے اندر، کیا تبدیلی آئی ہے، کیا سوچ بدلی ہے، کیا ریاستی بیانیاں ہیں، سب منظر آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.